हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल और आपका स्वागत है आपका अपने चैनल साइंस पोटली में। आज हम देखेंगे, टॉपिक है क्लास नाइन्थ का, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स इन ह्यूमन। तो इसमें हम देखेंगे, पहला देखेंगे मसल सेल्स, पेशी कोशिकाएं बोलते हैं इसको हिंदी में, मसल सेल्स को। ये मस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत आती है। तो उसमें देखेंगे क्या पाया जाता है इसका, कॉन्ट्रैक्शन का गुण पाया जाता है इसमें, मसल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन का गुण पाया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना और एक्सपेंड होना, एक्सपेंड और स्ट्रेच, संकुचन होना और प्रसार होना। प्रसार को बोलते हैं एक्सपेंड या स्ट्रेच होना। दो गुण पाया जाता है मसल्स में, एक कंट्रक्शन का जो कि आपका सिकुड़ता है, संकुचित होता है, और दूसरा है प्रसार होना या एक्सपेंड होना या स्ट्रेच होना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मसल्स स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर सभी प्रकार के मूवमेंट या गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होता है। मसल्स जो होता है देखेंगे आप, हड्डियों के साथ जुड़ा होता है। तो उसके लिए क्या होता है, दोनों का साथ क्या होता है, जरूरी है दोनों का साथ होना। अगर मसल्स सिंपल बॉडी में मसल्स ही रहेगा, स्केलेटल नहीं रहेगा, ढांचा नहीं रहेगा, तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। देन अगर हमारे पास सिर्फ ढांचा रहेगा, मसल्स नहीं रहेगा, तो उसमें पावर कहाँ से आएगा? तो ब्रेन से जो पावर मिलता है हमको, ब्रेन से जो हमको तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पावर मिलता है, वो मसल्स में ही आता है पावर, जिसके माध्यम से हम अपने स्केलेटल को या ढांचे को उठाकर मूवमेंट कर पाते हैं। देखिए इसमें 639 मसल्स पाई जाती है हमारे टोटल बॉडी में, पूरे शरीर में 639 प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, जिसमें से 400 मसल्स रेखित होती है, स्ट्रेट मसल्स जिसको बोलते हैं, जिसमें पावर ज्यादा जनरेट होता है बॉडी में। इसके बाद देखिए 180 मसल्स पीठ में होती है, सबसे ज्यादा मसल्स हमारे बॉडी में पीठ वाले भाग में या बैक वाले भाग में पाई जाती है। 40-45% मसल्स का, पूरे बॉडी वेट का 40-45% मसल्स बनता है। उसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेसिस टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन के आधार पर इसके प्रकार कितने होते हैं। तो तीन प्रकार के पाए जाते हैं। पहला है वॉलेंट्री मसल्स, जिसको हम हिंदी में ऐच्छिक मसल्स बोलते हैं, ऐच्छिक कोशिकाएं बोलते हैं, और ये स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जाना आता है इसे। दूसरा है इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होता है, अनैच्छिक पेशियां होती है जो कि स्मूथ सेल्स की बनती है। द थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स को हम हिंदी में जानते हैं हृदय पेशी, हृदय पेशी या हृदय की जो पेशी होती है, मायोकार्डिया बोलते हैं जिसको। तो आइए देखते हैं मसल्स के प्रकार। तो बताया था आपको कि तीन प्रकार के मसल्स पाए जाते हैं, जैसा कि पहला देख रहे हैं आप, वॉलेंट्री मसल्स है, जिसको ऐच्छिक मसल्स बोला जाता है, या स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। इसका मुख्य काम है चलने में, दौड़ने में, पकड़ने में और श्वसन क्रियाओं में। चलने, दौड़ने या पकड़ने में क्या होता है, हम चलते हैं तेजी से या दौड़ते हैं या हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं, तो इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होता है, पूरा कंट्रोल होता है। ये जो है आपका, ये वॉलेंट्री मसल्स या ऐच्छिक मसल्स कहलाया, क्योंकि हमारी इच्छा से हम इस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं, हमारी इच्छा से हम दौड़ पा रहे हैं। दूसरा है आपका इनवॉलेंट्री मसल्स या अनैच्छिक पेशियां, इसको बोलते हैं स्मूथ सेल से बस बना होता है, स्मूथ मसल से बना होता है ये। तो इसमें अनैच्छिक शब्द आया इनवॉलेंट्री। इन मसल्स पे हमारा नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं होता, ये अपने आप कब हो जाती है पता नहीं चलता। जैसे आप खाना खाते हैं, तो खाना आपका जहां आपके मुंह से अंदर गया, उस वक्त पता नहीं आपको क्या हो रहा है, स्टमक में खाना गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है, लार्ज में गया है, आपको आभास नहीं होता, बस वो क्रियाएं अंदर में चलती रहती है, वो इस मसल्स की ही कारण होता है, अनैच्छिक पेशी कारण ही होता है। दूसरा, रक्त वाहिनियाँ, हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे रक्त पदार्थ बह रहे हैं और बहुत सारे लिक्विड बह रहे हैं बॉडी के अंदर में, हमको पता नहीं चलता। तो ये हो गया आपका अनैच्छिक पेशियों द्वारा सब होता है काम। द थर्ड वन इज कार्डियक मसल्स, हृदय पेशी या हृदय पेशी, ये भी ऑटोमेटिक होती है, हमारे पैदा होने से लेके मरने तक का इसमें पाया जाता है, ये अपने आप धड़कते रहती है स्वतः ही, जब रुक गई मतलब इंसान की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यह था आज का वीडियो, जो कि पार्ट वन था। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट टू में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में और भी सेल्स के बारे में बताऊँगा। धन्यवाद।